स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं और मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये किसी के काम आएगा तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि सात प्रकार के जल यानी वाटर, जिनके बिना हम कुछ घंटे भी नहीं रह सकते, वो कौन से हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने ये कुछ अलग वीडियो बनाने का सोचा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, सो आप प्लीज़ एंड तक देखें। शुरू करता हूँ दोस्तों। टाइप्स ऑफ वाटर। वाटर इज डिस्टिंग्विश्ड इन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, कंसिस्टेंसी, कॉम्पोजिशन एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले है दोस्तों टैप वाटर। टैप वाटर इज अ वाटर दैट यू गेट डायरेक्टली फ्रॉम योर रेस्क्यू सेट। इट मे और मे नॉट बी सूटेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ये वो पानी है दोस्तों जो अपन नलके से लेते हैं, घर के टैप से लेते हैं। इट इज वाइडली यूज फॉर हाउस होल्ड क्रोस सच एज क्लीनिंग, कुकिंग, गार्डनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। ये पानी वो होता है दोस्तों जो हमें घर के लिए सफाई के लिए लगता है, कपड़े धोने के लिए लगता है, गार्डनिंग के लिए लगता है, वगैरह वगैरह। इट मस्ट मीट द रेगुलेशंस सेट बाय द लोकल म्युनिसिपल। जो भी म्युनिसिपल में उनके पैरामीटर्स है वो उसको पूरा होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए, म्युनिसिपल बॉडीज। दोस्तों, नेक्स्ट है मिनरल वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मिनरल वाटर is the water that naturally contains minerals. It is obtained from underground sources which makes it rich in minerals like calcium, magnesium, manganese. No further minerals can be added to the water. The water also cannot be subjected to any treatment except for limited ones such as carbonation iron or manganese removal before packing. The essential minerals give it a reputation of healthy drinking water. So friends, yahan pe likha hai minerals ke liye, the water also cannot be subjected to any treatment. Koi bhi treatment usko nahi karni chahiye mineral water ko, except for limited ones, kuch limited had tak, jaise ki carbonation, iron or manganese removal. Ye teenon cheeze removal ke ilawa, before packing it. ठीक है दोस्तों। द एसेंशियल मिनरल्स गिव इट अ रेपुटेशन ऑफ हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिनरल वाटर कैन वेरी फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। सम मे हैव मोर नंबर ऑफ मिनरल्स वाइल अदर्स हैव लेसर। द प्रेजेंस ऑफ द मिनरल्स ऑल्सो गिव्स द वाटर अ कैरेक्टरिस्टिक्स salty taste. The presence of the minerals also gives the water a characteristics of salty taste. Third hai, spring water. In some places rain water accumulated underground tends to leak out at the surface as a spring or puddle.
किसी किसी जगहों पे अंडरग्राउंड में ये वाटर सेव हो जाता है दोस्तों, और वो लीक होता है बाहर सरफेस पे स्प्रिंग के रूप में और पडल या लहर के रूप में। नेचुरल स्प्रिंग्स आर नॉट पास थ्रू अ कम्युनिटी सिस्टम एंड आर येट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज इट कम्स फ्रॉम अंडर। नेचुरल स्प्रिंग्स आर नॉट पास थ्रू अ कम्युनिटी सिस्टम एंड आर येट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज इट कम्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। ये कभी कभी पीने लायक होता है दोस्तों पानी, क्योंकि ये अंडरग्राउंड से आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है वेल वाटर, यानी कि कुएं का पानी। व्हेन इट रेन्स वाटर ट्रिकलेस डाउन एंड ट्रेवल्स थ्रू द इनर सर्विसेज ऑफ द सॉइल बीनेथ द ग्राउंड फ्रॉम अंडरग्राउंड लेक्स। व्हेन इट रेन्स वाटर ट्रिकल्स डाउन, जब भी बारिश होती है तो पानी नीचे जाता है और ट्रेवल करता है इनर सर्विसेज ऑफ द सॉइल, जो भी वहाँ पे सॉइल्स हैं उसमें वो ट्रेवल करता है। बीनेथ द ग्राउंड फ्रॉम अंडरग्राउंड लेक्स, अंडरग्राउंड से होते हुए वो लेक में जाता है दोस्तों। दिस हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन रूरल एरियाज। वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इज डग आउट फ्रॉम डीप वेल्स। विलेजों में दोस्तों, वहाँ पे ये पानी जो है इनका माध्यम है, कुएं से निकाल के लोग पीते हैं। डीप वेल्स डायरेक्टली टैप ग्राउंड वाटर एंड ब्रिंग इट द सरफेस फ्रॉम विच पीपल कैन टेक देयर वाटर। डीप वेल्स डायरेक्टली टैप ग्राउंड वाटर एंड ब्रिंग इट टू द सरफेस फ्रॉम विच पीपल कैन टेक देयर वाटर। नंबर 5, प्यूरिफाइड वाटर। अ प्यूरिफाइड वाटर इज द वाटर विच आफ्टर ड्राइविंग फ्रॉम इट्स सोर्सेस हैज अंडरवेंट प्यूरिफिकेशन ट्रीटमेंट इन अ प्लांट। तो फ्रेंड्स, प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है? प्यूरिफाइड वाटर इज अ वाटर विच आफ्टर ड्राइविंग फ्रॉम इट्स सोर्सेस, ये जहाँ से मिलता है वहाँ से लेके आने के बाद उसको कुछ प्यूरिफिकेशन ट्रीट में उसको जाना पड़ता है प्लांट में। द एक्ट ऑफ प्यूरिफाइंग एंटेल्स रिमूविंग ऑल द बैक्टीरिया कंटेमिनेंट्स एंड डिजोल्व सॉलिड्स मेक इट सुटेबल टू ड्रिंकिंग। द एक्ट ऑफ प्यूरिफाइंग एंटेल्स रिमूविंग ऑल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया पूरा उसमें से निकाल जाता है एंड डिजोल्व सॉलिड्स, और सॉलिड्स को डिजोल्व किया जाता है और उसको सूटेबल बनाया जाता है पीने के लिए एंड अदर पर्पसेस। ठीक है दोस्तों, तो प्यूरिफाइड वाटर क्या होता है? जिसमें से वो लोग जहाँ से आता है उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है बैक्टीरिया निकालने का और सॉलिड उसमें डिजोल्व करने का। यू कैन आइदर परचेज इट फ्रॉम द मार्केट्स और इंस्टॉल अ वाटर प्यूरिफायर एट होम। ये दोस्तों पानी जो है आप अपने घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं आफ्टर प्यूरिफायर लगा के, या तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं एंड हैव प्योर वाटर टू कंज्यूम, और उसके बाद आपको प्योर वाटर जो मिलता है उसको आप पी सकते हैं। नंबर 6, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर और डीमिनरलाइज्ड वाटर इज वन वेयर द वाटर हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ ट्रीटमेंट दैट रिमूव्स ऑल इट्स मिनरल। तो फ्रेंड, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? पानी को जब ट्रीटमेंट किया जाता है पूरे उसमें से मिनरल्स रिमूव करने के लिए, उसे डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। एंड सॉल्ट,
सॉल्ट भी उसमें से रिमूव होता है दोस्तों, बाय द पर्पसेस ऑफ रिजर्व ऑस्मोसिस एंड डिस्टोलेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस एंड डिस्टोलेशन प्रोसेस किया जाता है दोस्तों, रिवर्स प्रोसेस होता है डिस्टोलेशन का। इट इज एन एब्सोल्युटली प्योर फ्रॉम वाटर, इट इज एन एब्सोल्युटली प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है, बट इट इज नॉट टिपिकली रिकमेंडेड फॉर ड्रिंकिंग, बट ये पीने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता है दोस्तों। इट कैन कॉज मिनरल डिफिशेंसीज, इससे हमें मिनरल डिफिशेंसी हो सकती है, बिकॉज इट इज डिवाइड ऑफ ऑल, इट इज डिवाइड ऑफ ऑल सॉल्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द नेचुरल मिनरल्स इन द वाटर आर गॉन, क्योंकि दोस्तों इसका प्रोसेस करने के बाद में इसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो सब निकल जाते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉल्ट भी निकल जाता है, डिवाइड्स ऑफ ऑल सॉल्ट्स एंड मोस्ट ऑफ द नेचुरल मिनरल्स इन द वाटर आर गॉन, इसमें से निकल जाता है नेचुरल मिनरल्स भी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस ड्रिंकिंग दिस वाटर मे कॉज अ रैपिड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम लॉस। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर ये हम लोग पानी पीते हैं तो हमें क्या क्या हो सकता है, ड्रिंकिंग दिस वाटर मे कॉज अ रैपिड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम लॉस, ये तीनों चीज़ का हमें लॉस हो सकता है दोस्तों, रैपिड सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम चारों चीज़ों का। नंबर 7, स्पार्कलिंग वाटर, यू मे हैव एनकाउंटर्ड वेटर्स इन योर फेवरेट रेस्टोरेंट्स आस्किंग योर प्रेफरेंस ऑफ वाटर। हमने कभी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वेटर जब भी आते हैं दोस्तों, आपको पूछते हैं कि आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे, रेगुलर मिनरल और स्पार्कलिंग, ठीक है दोस्तों। तो स्पार्कलिंग वाटर इज अ वाटर दैट हैज अंडरगॉन कार्बोनेशन विच मेक्स योर वाटर फिजी, अंडरगॉन कार्बोनेशन विच मेक्स योर वाटर फिजी जस्ट लाइक सोडास, जिस तरह से सोडा दिखती है दोस्तों उसी तरह से स्पार्कलिंग वाटर दिखता है। स्पार्कलिंग वाटर मे बी स्प्रिंग वाटर प्यूरिफाइड वाटर और इवन मिनरल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर मे बी स्प्रिंग वाटर प्यूरिफाइड वाटर और इवन मिनरल वाटर, ये तीन तरह के वाटर अपन बोल सकते हैं। अपॉन एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम्स स्पार्कलिंग वाटर, उसमें जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड करते हैं तो स्पार्कलिंग वाटर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ तरह के 7 प्रकार के मैंने आपको वाटर के बारे में बताए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू।